आज हम आपको बता रहे हैं सुशी, कैसे हम सुशी को घर में भी बना सकते हैं। सुशी बनाना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। चलिए ट्राई करते हैं कि ये घर में सुशी हम कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। मैंने तो ये सुशी राइस से बनाया है, लेकिन ये नॉर्मल राइस से भी अच्छा ही बनता है। मैंने प्रॉन अंदर डाला है, तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉन की तैयारी कैसे करते हैं। मैंने प्रॉन को धो के साफ़ कर लिया था। थोड़ी देर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में उसको मैरिनेट करके रखा था। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर पेस्ट बनाया, उसमें डिप करके प्रॉन को, एक देखिए टूथपिक मैं लगा रही हूँ। अब ये टूथपिक क्यों लगा रही हूँ, इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब आप प्रॉन को अगर ऑयल में डालते हैं तो प्रॉन जो है गोल हो जाता है। और इसमें मैं टूथपिक इसलिए लगा रही हूँ कि अगर हम इसमें, मैं अभी आपके सामने इसको फ्राई करूँगी, आप देखिएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अगर स्ट्रेट रहेगा तो मुझे सुशी में डालने में ये इजी रहेगा, इसलिए मैंने इसके अंदर टूथपिक डाल दिया प्रॉन के अंदर। अब ऑयल को गर्म करके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। मीनवाइल मैंने राइस जो लिया था उसको, मैंने 1 कप राइस लिया था, 2 कप पानी डाल के कुकर में राइस को बॉईल कर लिया था। राइस को बॉईल आप सिम करके 5-7 मिनट कुकर में 1 सीटी आने के बाद उसको सिम कर देंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट तक उसको पकाएंगे। अब ऐसे आपका राइस तैयार हो जाएगा। आप ये कोई भी किसी भी राइस से यूज़ करके ये बना सकते हैं। अगर आप सुशी राइस लेते हैं तो सबसे अच्छा है, और नॉर्मल राइस लेते हैं तो उसमें भी कोई बुरा नहीं बनता, अच्छा ही बनता है। और उसमें नमक डाल देंगे, राइस को जब बॉईल करेंगे उसमें नमक डाल देंगे। अब ऐसे ही मैंने प्रॉन को फ्राई कर लिया है। अब हमारा प्रॉन बिल्कुल तैयार है बन के। और इसके साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटे हैं, मैंने खीरा काटा है और गाजर को लंबा लंबा काटा है। और इसको मैंने, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने, मुझे अभी सामने करना पड़ेगा, लेकिन आप एक दिन पहले भी इसको विनीगर में डिप करके भी बना सकते हैं। और साइड में जो मैं छोटे से बोल में मैंने अदरक बारीक काट के उसको मैंने विनीगर में डिप किया है। जब आप अदरक को बारीक काट के डिप करोगे तो वो अदरक पिंक कलर का हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। अब हम इसको रैप कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रॉन को टूथपिक लगाया है, अब टूथपिक के साथ तो हम रैप नहीं कर सकते हैं ना, तो फ्राई करने के बाद वो टूथपिक प्रॉन के अंदर से निकालना पड़ेगा, जो कि मैं अभी निकाल रही हूँ। आपको अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब मैं प्रॉन में से टूथपिक बाहर निकाल रही हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत इजी डिश है, थोड़ी तैयारी मांगती है। आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो ये एक मील की तैयार हो जाता है, क्योंकि जो लोग सुशी लवर हैं वो पूरा पूरा मील में सुशी खाना पसंद करते हैं। ये वेज भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है। जैसे मैं अभी प्रॉन के साथ बना रही हूँ। आप चाहो तो इसमें चिकन डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, लंबा लंबा काट के उसको मैरिनेट करके हल्का शैलो फ्राई करके आप डाल सकते हो, और नहीं तो नॉर्मल भी ऐसे भी, पनीर को तो आप वैसे भी डाल सकते हो। थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स करके उसमें रख सकते हो, तो वो वेज माने वेज बन जाता है। और सबसे बेस्ट जो रहता है दैट इज़ प्रॉन। अब मैंने साइड में आप देख सकते हो कि सोया सॉस मैंने लिया, और जिसमें मैंने थोड़ा सा उसमें ब्राउन शुगर मिक्स किया है। अदरक तैयार है, हमारी वेजिटेबल्स तैयार है, मैंने राइस को स्प्रेड किया है, उसके ऊपर मैंने वेजेस रखे हैं, और मैं इसमें प्रॉन जो मैंने फ्राई किया है वो रखा है। और ये जो ब्लैक कलर का जो है, ये एक सुशी बनाने का ये पेपर होता है, दिस इज़ एडिबल पेपर, और बैम्बू मैट के ऊपर मैंने पहले ये नोरी शीट, जो इसको नोरी शीट बोलते हैं, मैंने नोरी शीट को स्प्रेड किया है। और हम अब इसको रोल करेंगे। अब अच्छी तरह टाइट करके आप अपनी तरफ इसको खींचेंगे,
और फिर इसको रोल करके, एक बार रोल करके थोड़ा सा दबाएंगे, अपनी तरफ खींचते हुए दबाया मैंने। अब ये एक एक फोल्ड हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक दूसरा फोल्ड हमें लगाना, दूसरा फोल्ड ऐसे लगाएंगे टाइट करके एक अपनी तरफ खींचते हुए, ये दूसरा फोल्ड भी हमारा लग गया। हाथ से पूरी लंबाई में हम उसको खींचते हुए फोल्ड कर देंगे। अब हमारा एक तैयार हो गया सुशी। हम इसको पीसेस में काट सकते हैं। अब पीसेस में कैसे काटेंगे, चलिए आइए वो भी दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर इसको काटेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली इसको ट्राई करिएगा और घर में ज़रूर बनाइएगा, और कैसा आपको लगता है आप एक बार मैसेज बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने नाइफ से इसको काटा और ये देखिए कितना सुंदर हमारा सुशी तैयार हो गया, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और एक अगर सुशी हम खा लेते हैं तो हमारा एक मील हो जाता है कंप्लीट। इसको बारीक बारीक पीसेस में काट के सोया सॉस जो मैंने तैयार किया है इसमें मैंने शुगर डाला है, और इसके साथ आप इसको खा सकते हैं। आई होप कि आपको चैनल पसंद आया।